गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, अभी मैं प्रतिदिन आपके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित होती हूँ। आपके अभ्यास कार्य में मैं अभी आपके पार्ट 7 से जो है क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आइए अब मैं बारी बारी से क्या करूँगी, इस क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए जितने भी हिंदी के वाक्य हैं उसे मैं पढ़ूंगी एवं उसका संस्कृत में अनुवाद करूँगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, आपका चैप्टर 7 जिसका कि शीर्षक है सत्यनिष्ठ बालक, इसको पढ़ाने के बाद मैंने इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ किया है। इसके अभ्यास कार्य में कुल 5 टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 आपको करके बता दिया है आपके अभ्यास कार्य से। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एवं 2 इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखकर आप लोगों को बता दिया है। आप सभी बच्चे भी इसे ध्यान से देखेंगे एवं अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब मैं आपको ले चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यानी आपके क्वेश्चन में जो है वो हिंदी के वाक्य दिए गए हैं जिसका कि आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आइए बारी बारी से हम आपके जो इन वाक्यों को पढ़ते हैं हम इसका संस्कृत में अनुवाद करते हैं। कौन में है, पुराने समय में लोग दूर दूर की यात्रा करते थे। तो इसका है संस्कृत में अनुवाद, पुरा काले जना सुदूरंग यात्रांग कृतवंता। पुराने समय में लोग दूर दूर की यात्रा करते थे। दूसरा है, डाकू रास्ते में व्यापारियों का धन लूट लेते थे। डाकू रास्ते में व्यापारियों का सारा धन लूट लेते थे। मार्गे दस्यवः व्यापारिणां सर्वं धनं अलुण्ठन। मार्ग में क्या करते थे, डाकू व्यापारियों का सारा धन लूट लेते थे। मेरे पास 40 मुद्राएं हैं। गौ में है, हिंदी का जो वाक्य है वो है मेरे पास 40 मुद्राएं हैं। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, मम पार्श्वे 44 मुद्राः सन्ति। मेरे पास 40 मुद्राएं हैं। तुम झूठ बोलते हो, क्या संस्कृत में अनुवाद होगा, तुम असत्यम वदश। गांव में है, हमें सदा सत्य का पालन करना चाहिए। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, अस्मभ्यम सदा सत्य से पालनम करणीयम। हमें सदा सत्य का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग प्रतिवर्ष वहां सत्य की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो विपुल जनाः तत्र गत्वा सत्यपालनस्य प्रेरणां ग्रहणं कुर्वन्ति। बहुत से लोग वहां जाकर सत्यपालन की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से यह जितने भी हिंदी के वाक्य दिए गए हैं उसे मैंने संस्कृत में उसका मैंने अनुवाद करके आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे ध्यान से मेरे द्वारा बताए गए अनुवाद को ध्यान से देखेंगे एवं इसे अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लेंगे। बच्चों, इस प्रकार से मैंने जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें था कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए उसे मैंने आपको करके बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यान से इन वाक्यों को मेरे द्वारा जो बताया गया जो अनुवाद है उसे अपनी कॉपी में लिखकर उसे याद कर लेंगे। आगे का जो आपका कार्य है उसे लेकर मैं फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।